सर मैं पंकज, आप सबका स्वागत है ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स खास बात और बीबीसी 24x7। आज हम खड़े हैं नवग्राम मंदिर के प्रांगण में, जहां पे पंडित श्री ध्रुव महाराज जी हमारे बीच हैं, जो अपने मुखारवृंद से आने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का 30 तारीख का जो रामनवमी का शोभा यात्रा हमारे शहर में है होने वाला है, इसी से जुड़ा हुआ खास बातों पे प्रकाश डालेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ और आइए आदरणीय बाबा को हम सुनते हैं और विस्तार से चीजों को समझते हैं। बाबा रामचंद्र भगवान की जय। हमारे भारत वर्ष में जो भारत का जो नगर है, इसको भारत भरतपुर से भरतखंड कहा जाता है। इसमें हमारे विशेष अयोध्या के रामचंद्र भगवान अजनकपुर से सीता जी, इधर हनुमान जी महाराज, ये बड़े प्रिय हैं। राममय हमारे भारत वर्ष है। इस राममय भारत वर्ष में भगवान का राम जन्म उत्सव हम सब मिलके बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसे हमारे जब राम विजय होकर के जब आए रावण को संहार करके, तब अयोध्या में बड़ी खुशी हुई। सारे अयोध्या वासियों ने राम लक्ष्मण सीता को रथ में बैठाते हुए बड़ी शोभा यात्रा का आरंभ किया था। उसी समय से हमारी भारतीय परंपरा है कि राम जन्म उत्सव में हम सब मिलके शोभा यात्रा करने का। इस बार जो है सिलीगुड़ी में कई सालों से बड़े धूमधाम के साथ राम का अमृतमय शोभा यात्रा हो रहा है। बड़े आनंद के साथ में, बड़े बाजे गाजे के साथ में उसमें हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी सारे साहित्यिक सामाजिक डॉक्टर चिकित्सक यानि संपूर्ण हम हिंदुत्व को रक्षा करने के लिए हम सब मिलकर के हम शोभा यात्रा सिलीगुड़ी में 30 तारीख मार्च महीना 2023 में सुबह 10:15 मल्लागुड़ी हनुमान मंदिर से शुरू आरंभ होगा। ऐसे शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर के रामचंद्र भगवान का गुणगान करते हुए बड़े धूमधाम के साथ में हम लोग कलश यात्रा के साथ में, धूमधाम के साथ में, बाजा गाजा के साथ में सब मिलकर के कंधों पर कंध मिला करके हम सब परिवार मिलकर के हम सिलीगुड़ी हिंदी आयुष्त हम लोग पहुँचेंगे। वहाँ रंगारंगा कार्यक्रम होगा। इसी के साथ में हम ग्रुप ऑफ इंडिया, ग्रुप ऑफ इंटेक मीडिया को एवं बीबीसी खास बात ग्लोबली न्यूज सभी इस चैनल को देखने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस राम जन्म महाउत्सव में इस शोभा यात्रा के शुभ अवसर पर एवं नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी को शुभेच्छा शुभकामना। वह दिन एक दिन दो घंटा के लिए सब काम छोड़ करके हम भाई भाई हर जाति हर भाषी मिल करके कंध में कंध मिला करके
जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम आगे बढ़े। इससे राष्ट्र की शक्ति प्राप्त होगी और भाईचारा और प्रेम बढ़ेगा, सब आनंद से रहेंगे। इस अवसर पर हम सब मिलकर के राम जन्म भूमि अथवा राम नवमी के शुभ अवसर पर हम खाता का पूजन भी करते हैं। विशेष खाता पूजा करने का परंपरा है। हम सब मिलकर के कोई भी बोले भाई जी राम राम, भाई साहब राम राम, हमारे राम नाम का शब्द से भारत गुंजा है। इसलिए हमारा अयोध्या में इतनी बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। रामम रमेति रामेभ्यम रामो राम मनोरमे, हमने पहले भी कह दिया कि राम में इतनी शक्ति है जो हम सब काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और विशेष करके राम नवमी में हम सभी जाति सभी भाषी विशेष करके हमारे व्यापारी बंधु और सब मिल करके जैसे बंगाल में बंगाली भाषाओं में जो पूजन होता है वो पहला बैसाख 15 अप्रैल को होता है, गोरखा नेपालियों में 14 अप्रैल को होता है पहला बैसाख। इसी प्रकार हम हमारे हिंदू संस्कार में हमारे राम कृष्ण बुद्ध कल्कि हुए इनके तिथि के हिसाब से होता है। इसलिए हम चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से नया विक्रम संवत शुरू हो जाता है और इसी नया साल को हम लोग मनाते हैं। और इसी भव्य समय पर हम राम नवमी को सुबह खाता का पूजन करते हैं। इस बार का जो पूजा का महत्व है विशेष प्रातः काल सुबह 7:57 से लेकर के 10:16 तक वृष लग्न पड़ा है, अति शुभदायक लग्न है, वृष लग्न स्थिर लग्न है। आप इस वृष लग्न में आप पूजन करें खाता का तो धन धान्य की वृद्धि होगी, व्यापार में उन्नति होगा और भाई भाई में प्रेम बढ़ेगा, व्यापार में दिन दुगुना रात चौगुना होगा, आपके परिवार आपका व्यापार जो है हरा भरा रहेगा वृष लग्न वाले। और जितनी भी और मिथुन लग्न जो है 10:16 से लेकर के दिन का 12:29 तक रहेगा, इसमें आप जो पूजन करें सौभाग्य धन धान्य की प्राप्ति होगी। इससे भी दूसरा जो पूजा है तीसरा पूजा दिन का 2:21 से लेकर के 5:01 तक सिंह लग्न रहेगा, जो सिंह लग्न में खाता का पूजन करेंगे उसका धन धान्य की वृद्धि होगी, व्यापार में उन्नति होगी, कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। भगवान स्वयं शंकर जी ने कहा है लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। भगवान शंकर जी कहते हैं जो इस लग्न में खाता का पूजन करें उसके घर में कभी भी दुख दरिद्र नहीं आएगा, हरा भरा रहेगा। और ऐसा शास्त्र कहा है इस साल का जो रामनवमी अति उत्तम माना गया है, हर साल अप्रैल महीना में पड़ता था, इस बार जो है मार्च महीना में पड़ रहा है। इसलिए सब राशियों के लिए मेष राशि वृक राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि वृश्चिक राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि मीन राशि 12 राशि वालों के लिए अति उत्तम माना गया है। इसके 12 राशि वाले इसमें यदि पूजन करें तो सौभाग्य धन धान्य की प्राप्ति होगी, यही शुभ कामना है सभी को। रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को हम पंडित ध्रुव उपाध्याय हमारे नवग्रह मंदिर परिवार में जितने विद्वान हैं सभी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का तरफ से नवग्रह मंदिर परिवार की तरफ से आप सभी को इस बार नवरात्र का एवं रामनवमी भव्य शोभा यात्रा का हम शुभकामना करते हैं। हम आशा रखते हैं आप लोग इस रामनवमी के भव्य शोभा यात्रा में सभी लोग उपस्थित होकर के कांध कांध मिलाकर हम यात्रा करेंगे, ऐसे हम सभी को शुभकामना देते हैं, सभी को आमंत्रित करते हैं। जय हो जय हो।